वेलकम बैक यू एरिस्टोक्रेट्स। और आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज के बारे में। और हाँ, इस वाली वीडियो में आप सबके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है और वो वीडियो के बीच में आएगी, तो देखते रहना। और हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और एक रियल एरिस्टोक्रेट बन जाओ। हमारे 198,000 सब्सक्राइबर हो गए, 2 लाख करने हैं, जाके करा दो। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है कि जीप ग्रैंड चेरोकी का इंडिया में प्राइस इंक्रीज हो गया है एज ए वी केयर, जिसमें इस गाड़ी का पहले प्राइस अराउंड 77 लाख रुपीज का था, अब इस गाड़ी का प्राइस 78.5 लाख रुपीज का हो गया है। तो 1 लाख रुपए से इस गाड़ी का प्राइस बढ़ गया है। और एक तो लिटरली एक भी नहीं दिखी अभी तक रोड पे, एटलीस्ट एक तो दिख जानी चाहिए थी। कोई बंदा इस गाड़ी पे बात नहीं कर रहा क्योंकि इतनी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है गाड़ी। बिल्कुल भी इसमें कुछ ऐसी यूनिक सी चीज है नहीं जो कि इस गाड़ी को स्टैंड आउट करा पाए और इसका 1 करोड़ का प्राइस जस्टिफाई कर पाए, जब आपको थोड़े और बढ़िया ब्रांड्स की गाड़ियां जो कि ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट में इसे आउटबीट कर देती है वो आपको मिल जाती है। तो इसलिए यार ये गाड़ी कुछ ज्यादा ओवर प्राइस कर दी। मैंने कहा भी था अगर इस गाड़ी का प्राइस 70-80 लाख रुपए ऑन रोड होता तब ये थोड़ी सोचा जा सकता था लेने की, पर 1 करोड़ भाई बिल्कुल सेंस नहीं बनती, कोई नहीं लेने वाला। और लेकिन करेंगे भी क्या भाई, हम ये लगती भी मेरिडियन जैसी है। फिर जो आज की अगली न्यूज़ है कि जो मारुति ब्रेज है उसके सीएनजी वाले वर्जन का लॉन्च हो गया है, जिसमें इसका स्टार्टिंग है 9.14 लाख रुपीस एक्सशोरूम इंडिया से। तो इसका प्राइस ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए फालतू है एज कम्पेयर टू इसका नॉन सीएनजी वाला वर्जन। और इसके सीएनजी वाले वर्जन में आपको बढ़िया एवरेज देने के लिए अराउंड 20 हॉर्स पावर कम मिलती है एज कम्पेयर टू नॉन सीएनजी वर्जन। और साथ ही में मारुति क्लेम कर रहे हैं कि आपको 25 किलोमीटर पर केजी की इसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलने वाली है, जो कि काफी सही है। पर 1 लाख का प्राइस मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि इतने की ऑब्वियसली कुछ ज्यादा इसमें एडिशंस है नहीं। तो चलो, पर कोई बात नहीं, ब्रांड्स ले रहे हैं और ऑब्वियसली लोग इस गाड़ी को लेंगे, बढ़िया बुक कराएंगे, तो अगर आपको करानी आप करा सकते हैं। फिर जो आज के अगली न्यूज है कि जो मर्सिडीज जीएलसी है उसके नए वाले फेसलिफ्ट का अनवील हो गया है, जिसमें इस गाड़ी का इंडिया में भी लॉन्च होगा, जिसमें आपको सामने नई लाइट्स मिलती है, आपको नई ग्रिल मिलती है, आपको नए बंपर्स मिलते हैं, साइड में आपको नए अलॉयस मिलते हैं, पीछे आपको नई टेल लाइट्स मिलती है, नया आपको पीछे डिफ्यूजर मिलता है, और बाकी जो गाड़ी की ओवरऑल शेप है, जो गाड़ी की ओवरऑल एस्थेटिक्स है, आपको सेम मिलती है। लेकिन इंटीरियर इस गाड़ी का आपको एकदम नया मिलता है, जिसमें आपको नया जो सी क्लास वाला इंटीरियर है वो मिलता है, जिसमें आपको डैशबोर्ड में एक बड़ी सी स्क्रीन मिलती है, साथ ही में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसे बड़ी स्क्रीन वाला मिलता है, और बाकी बढ़िया आपको सीट के कंट्रोल वगैरह मिलते हैं इसके साइड के डोर्स में। और अब ये गाड़ी काफी अपडेटेड लग रही है, काफी ऑलमोस्ट मार्केट के हिसाब से लग रही है। जो पहले वाला सी क्लास का इंटीरियर था वो काफी ऐसे पुराना सा हो गया था और वही जीएलसी में कंटिन्यू हो रहा था इतने सालों से। तो बढ़िया, इस गाड़ी में आपको मजे मिलने वाले हैं। और साथ ही में इस गाड़ी में अब आपको इसके हर एक वेरिएंट में 48 वोल्ट की माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, जो कि आपको पहले नहीं मिलती थी। तो अगर आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा एफिशिएंसी चाहिए तो आप ले सकते हैं। और मर्सिडीज इस गाड़ी का प्राइस 4-5 लाख से बढ़ा देंगे आसानी से, हमें एक्सपेक्टेड था ही वो ऑब्वियसली। फिर जो आज की अगली न्यूज है और काफी मेरे लिए अच्छी न्यूज है, मतलब मुझे काफी अच्छी लगती है, कि जो BMW 5 सीरीज है जो उसका इलेक्ट्रिक वाला वर्जन है, वो BMW ने टीज कर दिया है, जिसमें कुछ पता तो चल नहीं रहा, ऐसे बस एक कपड़े के अंदर गाड़ी छुपी हुई है, पर बाकी ऐसे BMW कह रहे हैं कि एकदम नई इलेक्ट्रिक उनकी गाड़ी होने वाली है, जो कि अक्टूबर के आसपास लॉन्च होगी। और इस गाड़ी के लुक से अगर आप देखें तो एक्जैक्टली सेम होने वाली है नई वाली 5 सीरीज की लुक्स, और 5 सीरीज मेरी फेवरेट गाड़ी है BMW की। तो देखते हैं भाई इस गाड़ी का क्या होता है, i5 लॉन्च होती है और काफी लोग कह रहे हैं कि जो i5 है उसमें आपको सेम पार्ट रेंज मिलने वाली है और आपको ऑलमोस्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाली है जैसे आपको i4 में मिलती है, पर मेरे ख्याल से इसमें आपको थोड़ी एडिशनल पावर मिलेगी, आपको थोड़ी बढ़िया बैटरी मिलेगी, तब ये गाड़ी थोड़ी डिस्टिंग्विश कर पाएगी अपने आपको। तो देखते हैं भाई नई वाली 5 सीरीज कैसी होती है, क्या पता भाई मैं ही ले लूं, पता नहीं, देखते हैं। फिर जो आज की अगली न्यूज है और काफी अच्छी न्यूज है जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होगी, क्या आपको पता है कि टोयोटा की जो पूरी मार्केट में इमेज है, ये ब्रांड कॉन्स्टेंटली हर कुछ महीनों में अपनी गाड़ियों का प्राइस बढ़ाता रहता है और लोग खरीदते रहते हैं, पर अब टोयोटा ने कुछ अलग सा चमत्कार कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी गाड़ी का प्राइस रिड्यूस कर दिया है, जो कि ऑब्वियसली आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड होगा नहीं, जिसमें जो इस ब्रांड की हाइलक्स है, जो इसका स्टैंडर्ड वाला वर्जन है, उसका प्राइस इस ब्रांड ने 3.6 लाख रुपीज से रिड्यूस कर दिया है एक सिंगल बारी में, 3.6 लाख रुपीज से, जिससे इस गाड़ी का एक्सशोरूम प्राइस अराउंड 30 लाख रुपए का आ गया है। और जो इसका हाई वाला वर्जन है, मतलब इसका थोड़ा हायर वाला वर्जन है, उसका प्राइस अराउंड 1.3 लाख से इंक्रीज कर दिया है। तो ऐसे नहीं हर एक वेरिएंट में प्राइस रिड्यूस कर दिया है, तो इससे पता चलता है कि ये सारे ब्रांड्स अगर चाहे तो आसानी से गाड़ियों का प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं, इनके पास थोड़े बहुत मार्जिन है, पर ऑब्वियसली इन्हें थोड़े हायर प्रॉफिट्स कमाने हैं तो इसलिए ऐसा कर नहीं रहे। तो भाई 3.6 लाख से अगर उस वाले वेरिएंट का कर दिया प्राइस रिड्यूस, तो ऊपर वाले वेरिएंट्स का भी कर देते थोड़ा, या एटलीस्ट सेम ही रख लेते, इन्होंने तो बढ़ा ही दिया। पर फिर भी चलो, हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें, टोयोटा ने एटलीस्ट थोड़ा प्राइस तो रिड्यूस करा, पर मुझे ये लग रहा है कि ये जो इसका वेरिएंट है इसकी डिलीवरी नहीं मिलने वाली लोगों को, ये बस नाम से प्राइस रिड्यूस कर दिया है, बाकी इसकी डिलीवरी वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली। और हाँ, बाकी ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये ऐड नहीं है, जिसमें आप सबने कारवासल की और अरिस्टोकार की वीडियोस देखी होगी, पर मैं चाहता हूँ अपनी वीडियोस की क्वालिटी बढ़ाना और कंसिस्टेंसी बढ़ाना। तो अगर आप में से कोई भी बहुत बढ़िया वीडियो एडिटर है, कोई भी बहुत बढ़िया कंटेंट राइटर है या फिर ग्राफिक डिजाइनर है, तो आप मेल कर सकते हैं hiring@carvassal.com में, आपके सामने मेल आ रही है और डिस्क्रिप्शन में होगी। तो इसमें आप मेल करना अपनी पोर्टफोलियो और पास्ट वर्क और कोशिश करेंगे साथ काम करने की। और प्लीज आप तभी मेल करना अगर आप सही में एक्सीलेंट हो अपने काम में और आप सही में मेहनत कर सकते हो, वरना थोड़ा टाइम वेस्ट होगा मेरा भी और आपका भी। तो जेन्युइनली अगर आपको अच्छे से बढ़िया एडिटिंग आती है, कंटेंट राइटिंग आती है या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग
आती है या फिर आपका कोई भी दोस्त है जिसे ये सब आता है, तो प्लीज मुझे मेल करना और साथ में काम करेंगे और एक्सेप्शनल कंटेंट बनाएंगे। तो जो आज की अगली न्यूज है कि जो किया की EV9 है उसका अनवेल हो गया है, जिसमें ये ब्रांड की एकदम फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV है, जिसमें आपको बहुत ही अलग सी लुक्स मिलती है, जिसमें आपको सामने ऐसे बढ़िया वाली लाइट्स मिलती है जो कि ऐसे बहुत डिफरेंट पार्ट वाली है और ऐसे कनेक्टेड सी है, और एकदम आपको सीधी सी लुक्स मिलती है, एक ऐसे कैडिलैक जैसी या फिर एक ऐसे थोड़ी एस्थेटिक लुक वाली SUV जैसी। साइड में आपको बड़े बड़े दिखने वाले चौकोर वाले अलॉयज मिलते हैं और आपको इंटीग्रेटेड डोर हैंडल्स मिलते हैं, XUV700 जैसे एकदम स्ट्रेट आपको बॉडी लाइंस मिलती है और एकदम स्ट्रेट आपको इसमें सारा कुछ मिलता है, और पीछे आपको बहुत ही ऐसे कॉम्प्लेक्स ही लाइट्स मिलती है और अलग सी लुक्स मिलती है। इंटीरियर में आपको डुअल स्क्रीन मिलती है, आपको एकदम चौकोर सा स्टीयरिंग मिलता है, और इस वाली गाड़ी के बारे में एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन 28 मार्च को आने वाली है, जो कि आपको कार्वर्सल पे दिखने वाली है, अरिस्टो कार पे आपको दिखने वाली है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रियल अरिस्टोक्रैट बन जाओ, काफी आपको मजे आएंगे। फिर जो आज की अगली न्यूज है कि जो क्राइस्टा डीजल है उसका इंडिया में लॉन्च हो गया, मतलब लॉन्च नहीं अनवेल हो गया था, और जो इसका जी और GX वाला वर्जन है उसका प्राइस ब्रांड ने इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब बता दिया है, जिसमें जो इसका जी वाला वर्जन है उसका प्राइस है 19.13 लाख रुपीस एक्स शोरूम इंडिया का, जो कि अगर आप कंपेयर करें पहले वाली क्राइस्टा से, मतलब जो हाईक्रॉस से पहले आती थी उसका प्राइस भी एक्जैक्टली सेम ही था। तो हमें एक्सपेक्टेड था कि महिंद्रा की तरह टोयोटा भी अपनी इस वाली क्राइस्टा का प्राइस रिड्यूस कर देंगे 2-3 लाख रुपए से, पर भाई प्राइस तो वही रख दिया इन्होंने, ये थोड़ा क्राप करा यार। और जो GX वाला वर्जन है उसका प्राइस अराउंड 20 लाख रुपए का, तो ठीक है यार चलो, पर थोड़ा 2-3 लाख रुपए प्राइस रिड्यूस कर सकते थे, इनके पास आसानी से इतना मार्जिन था, पर यार करा ही नहीं इन्होंने, तो ये तो थोड़े बेशरम से हो गया। हाईलक्स का प्राइस रिड्यूस कर दिया, इसका उतना ही रख लिया, ये पता नहीं बिकेगी, हाईलक्स बिकती नहीं है, तो वही प्राइस में है, अगर आपको बुक करानी आप करा सकते हैं, और बाकी जो हायर वाले वेरिएंट है फॉर एग्जांपल ZX वगैरह उसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन आनी रहती है, तो देखते हैं उनका प्राइस क्या होता है। उनके प्राइस में शायद रिडक्शन आ सकती है क्योंकि ऑब्वियसली हायर वेरिएंट्स में ज्यादा बढ़िया मार्जिन होते हैं, तो अगर ब्रांड के पास थोड़ा भी दिल है तो वो थोड़ा प्राइस रिड्यूस कर सकती है। और फिर जो आज की अगली न्यूज है कि टाटा कर्व की टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है, जिसमें इस गाड़ी का जो एकदम प्रोडक्शन रेडी वर्जन है उसकी टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब जो इसकी प्रोडक्शन है, मतलब इसकी डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, और अब कंपनी को इस गाड़ी को टेस्ट करना है, सारी जो फॉल्ट्स है उसे निकालना है और फिर गाड़ी को लॉन्च करना है। जिसमें अगर आप देखें जो इसके स्पाई शॉट है उसमें इस गाड़ी की लुक्स काफी कुछ सिमिलर लग रही है टाटा नेक्सॉन से और टाटा हैरियर से, जिसमें आपको लाइटर पीछे हैरियर वाली जैसी थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन जो इसकी बॉडी लाइंस है, जो इसके पीछे की शेप है, आपको नेक्सॉन जैसी थोड़ी बहुत मिलती है। तो देखते हैं भाई कैसी होती है ये गाड़ी, पर अगर ब्रांड ने इस गाड़ी की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले अराउंड 8-10 महीने में इस गाड़ी का लॉन्च हो सकता है, तो 2024 के आसपास इस गाड़ी का लॉन्च होने वाला है, और जिसकी ऑफिशियल अनवीलिंग वगैरह है वो हो सकता है 2023 के एंड में ही हो जाए। तो ये गाड़ी वैसे काफी कूल होने वाली है और इसकी आसानी से सेल्स है अराउंड 6-7 हजार यूनिट्स की आ सकती है महीने की, अगर प्रॉपर तरीके से इस गाड़ी का लॉन्च हो। और फिर लास्ट न्यूज आ रही है और थोड़ी बहुत र्यूमर जैसी है कि शायद जो पोलो है उसका इंडिया में लॉन्च हो सकता है, और फोक्सवैगन शायद जो पोलो है उसके GTI वाले वर्जन को या फिर नॉर्मल GT वाले वर्जन को इंडिया में थोड़ा बहुत CKD यूनिट के तौर पर ला के थोड़े ऐसे महंगे प्राइस में बेच सकती है। तो अब पता नहीं आ रही है कितनी सच है न्यूज कितनी झूठ है, मुझे तो झूठ ही लग रही है, क्योंकि इस गाड़ी का प्राइस आसानी से 15-20 लाख का पहुंच जाएगा, और इतने में ऑब्वियसली इस गाड़ी की सेंस नहीं बनती, पर इस गाड़ी का फिर भी एक फैन बेस है जो कि बाकी सारी हैचबैक्स मैच नहीं कर पाती। तो देखो यार ये गाड़ी लॉन्च होती है या फिर नहीं होती, मेरे ख्याल से लॉन्च हो जाए काफी बढ़िया होगा, पर जो इसका प्राइस पॉइंट है इतना घटिया होगा इसमें से खरीदने की सेंस नहीं बनेगी। तो देखो भाई क्या होता है, मैं तो अगर लॉन्च होती है तब भी खुश हूँ, नहीं होती तब भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे लेनी नहीं है। और बाकी यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।